क्रेटन अदा के बीटा टू कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर दिया, तो वहीं बदमाश की गोली से एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से प्रवृत्ति के 29 लाख रुपए, अवैध पिस्टल और मोबाइल बरामद की है। हाल ही में एक बच्चे के अपहरण का मामला भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक आरोपी फिरौती की रकम लेकर फरार हो रहा है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर घेराबंदी की। वहीं बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश को गोली लगी और बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में बाकी बचे आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी थाना बीटा टू, लीको टेक और दादरी जेवर, अन्य थानों की पुलिस फोर्स और साथ में जो हमारे स्वाट टीम है उसके साथ मिलकर के घेराबंदी की गई थी, जिसमें बदमाश शिवम पाल बाइक से आते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें बदमाश शिवम को 2 गोली लगी थी, जिसमें उपचार हेतु उसको अस्पताल रवाना किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको उपचार के बाद मृत घोषित किया।